দিন আগে ভাটপাড়ায় যুব তৃণমূল নেতা ধর্মেন্দ্র সিং এর ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় ভাটপাড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে গণেশ সাউ নামে একজনকে। আজ তাকে নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং এর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে আসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু তার ছেলে বিজেপির বিধায়ক পবন সিং বলেন, যথাযথ নথি না দেখাতে পারায় আমরা বাড়িতে ঢোকার ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছি। কৈলাস বিজয় বর্গীয়জির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, উনি জানিয়েছেন আইনি কাগজ সঠিক না দেখাতে পারলে বাড়িতে ঢোকার ক্ষেত্রে আপত্তি জানাতে পারেন। দেখুন এই রিপোর্ট। হতাশ হবেন না, ছাড়বেন না হাল, এগিয়ে চলুন, আপনার পাশে আছে বিশ্বজিৎ পাল। নিজেকে আরও ভালো করে জানতে হলে আজই যোগাযোগ করুন লাইভ মোটিভেটর বিশ্বজিৎ পাল। আমাদের প্রেরণাদাতা লাইফ কোচ মোটিভেশনাল স্পিকার বিশ্বজিৎ পাল। কত ফটো নেব? सुना हूँ कैसा हुआ, यही जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर क्यों ऐसा रेट पड़ा है। क्या खबर मिला है आपको और किस माध्यम से खबर मिला है आपको? सर, कार्यकर्ता के माध्यम से ही खबर मिली है कि यहाँ पर रेट पड़ा हुआ है। क्यों इस तरह से बार बार सा रेट पड़ रहा है? हाल तो डिस्टर्ब करने के लिए सांसद को। क्या करेंगे अभी आप लोग? सर देखते हैं बात करके क्या होती है। ये पॉलिटिकल है क्या? ये पॉलिटिकल ही है ना। नहीं, ये कुछ दिन पहले जो टीएमसी यूथ लीडर था, जो गोली चलने का घटना घटा था, उसमें जो एक्यूज्ड को पुलिस ने पकड़ा था उसको लेके यहाँ पर आ गया है। तो कुछ चक्रांत करके? बिल्कुल बिल्कुल, चक्रांत ही है ना। पहले सर ठीक है, मैं बात कर पार्टी ऑफिस में आज सुबह है। मेरे पार्टी ऑफिस में जो 78 साल से वो पार्टी ऑफिस है, 78 थी क्या पार्टी ऑफिस, मंडल ऑफिस आज सही जगह बम चले थे, उसी जगह पर बम चली है। किस लिए चला है, आपको क्या लगता है? बस ऐसा है कि यहाँ पर पूरा मतलब ये असामाजिक तत्वों के हाथ में दे दिया गया है टीएमसी को। नहीं, कल रात को मेरे को बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए, अयोध्या के लिए। वो तो है ही अयोध्या के, कल एक उत्साह थी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बल्कि पूरे आम जनता का एक उत्साह और उच्छ्वास था कि ऐतिहासिक क्षण था वो जो शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके लिए उल्लास मनाया जा रहा था। उस उल्लास के कारण ही मतलब था कि क्यों उल्लास मनाया जा रहा है। भारत देश में भी राम के लिए अगर उल्लास या उत्साह न मनाया जाए तो फिर कहाँ मनाया जाएगा? तो उसके लिए ये घटना घटना, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो किसके ऊपर, टीएमसी के ऊपर है? बिल्कुल टीएमसी किया, तो टीएमसी किया बिल्कुल। आप लोग थाने में रिपोर्ट किया? हाँ किया। ये कुछ दिन पहले तो आपको न्यूज़ में आया था कि पुलिस आई थी सर्च वारंट को लेकर, तो उसमें हम लोग, मैंने उनको बोला था, रिक्वेस्ट भी किया था कि आप सर्च वारंट लाइए, हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे और आपको जो भी सर्च करना है आपको हम लोग अलाउ कर देंगे। लेकिन पुलिस इस बार फिर आई है विदाउट कोई सर्च वारंट का, एक नोटिस लेके सिंपल सा कि एक लड़का शायद उन्होंने पकड़ा है और वो लड़का बोलता है कि उसका जो रहने वाला है दोस्त वो इसी बिल्डिंग में रहता है। तो हम बोले कि आपको सर हमने पहले भी बार रिक्वेस्ट किया था कि आप सर्च वारंट लाइए, आप जब ये लड़का पकड़ाया है इसके क्या सबूत है सर कि ये जो बोल रहा है वो सही है? उसको तो आप थ्रेटिंग दे के भी मार के भी आप बुलवा सकते हैं, उसके आधार पे तो हम ये नहीं करने देंगे आपको। एक पुख्ता कोई सबूत तो होना चाहिए जिसके जिसको देख कर हम अलाउ कर सकें। अब सर्च वारंट लाते नहीं, बार बार हमारे यहाँ आते हैं, बार बार हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग को और कोई काम नहीं है कि बस यही, मतलब आप इलीगली तरीके से हमारे घर में घुसेंगे और हम आपको रोकेंगे। हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप सर्च वारंट लेकर आइए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन किसी के आधार पे कोई लड़का आके बोल देगा कि उसका साथी यहाँ रहता है और वो किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहा था, उस आधार पे आप यहाँ उसको ढूंढने लगेगा तो हम उसके लिए आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग उनको रोक रहे हैं। आप ऐसे एक साधारण नागरिक हो गए, क्या लग रहा है आपको कि कैसा पॉलिटिक्स चल रहा है? पॉलिटिक्स तो बिल्कुल, आप तो बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स, हम लोग मतलब आए हुए हैं, मेरे को राजनीति में बहुत समय तो नहीं हुआ, एक साल ही हो रहा है,
लेकिन जिस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है वेस्ट बंगाल में, मैंने बाकी स्टेट में ऐसा पॉलिटिक्स नहीं देखा जो इतना खराब वेस्ट बंगाल में चल रहा है। मतलब ठीक है, हम लोग भी अपोजिशन पार्टी में, हम लोग भी पार्टी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मतलब इतना हम लोग के पीछे पड़ जाइए, इतना हम लोग को थ्रेटिंग करिए, इतना हम लोग को परेशान कीजिए और ये बोलिए कि बस कोई भी इल्लीगल या मतलब कोई भी एंटी सोशल वाला आदमी हमारे बिल्डिंग में रहता है। मतलब ये क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये इस तरह का राजनीति सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये सबसे गंदी पॉलिटिक्स अभी चल रही है, विदाउट कोर्ट का सर्च वारंट नहीं होने से कोई भी सांसद के घर में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे सांसद जी का जेड सिक्योरिटी है, तो बिना कोर्ट का सर्च वारंट हम लोग एंट्री नहीं दे सकते हैं। और एमपी साहब आ रहे हैं, एमपी साहब आके 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो आके बात करेंगे। और बार बार हरासमेंट किया जा रहा है, देखिए हम लोग विरोधी दल में इसीलिए हरासमेंट किया जा रहा है। एक बात है जो आगे क्रिमिनल को लेकर आपके घर में आया हुआ है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? बहुत तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो यही किया है, कोई भी क्रिमिनल हो रहा है यहाँ पे उसको पकड़ के ले आके एमपी साहब का एक नोटिस करके लेते आ रहा है कि आपका घर सर्च करना, ऐसे नहीं होता। ये गंदी राजनीति चल रही है पूरे बैरकपुर सिलपंचल में। टीवीएस ऑथराइज्ड डीलर एवं विश्वस्त सर्विस सेंटर न्यू ऑटो सेंटर, এখানে সব সময় পাবেন টিভিএস কোম্পানির সমস্ত মডেলের টু হুইলার গাড়ি, তাও একদম সঠিক দামে এবং সহজ ফাইন্যান্সের সাথে। মাত্র এক ঘন্টায় গাড়ির বীমা করে দেওয়া হয়। এখানে পাবেন প্রত্যেকটি গাড়ির উপরে আকর্ষণীয় উপহার, অফার স্টক থাকা পর্যন্ত। 62 ইস্ট ঘোষপাড়া রোড, আতপুর পেট্রোল পাম্পের পাশে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 743128। এখানে যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয় এবং টিভিএস এর সমস্ত স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। আজ চলে আসুন নিউ অটো সেন্টারে। ফোন নাম্বার 9883787452 অথবা 9748813877।